व्यंजन पांच पी वर्ग ऋण 25 पी धन 20 को क्रमशः इससे 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 द्वारा विभाजित करना है। और बताइए किस किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतया विभाजित है। तो पहले भैया इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते ताकि करने में आसानी रहेगी। 5 पी वर्ग ऋण 25 पी धन 20 ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका जोड़ घटाओ। पहले तो भैया 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी वर्ग ऋण के 5 पी धन के 4। ठीक है, अब 5 ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका जोड़ या घटाओ 5 आए गुणा 4 है, यानी 2 दूनी 4 और यहाँ 2 और 2 जोड़ेंगे 4 घटाएंगे 0 हो जाए, नहीं ये संख्या नहीं होगी। और सोचिए जिनका जोड़ या घटाओ 5 आए गुणा आए 4, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 और 1 होते हैं 5, तो लिख सकते हैं पी वर्ग 4 पी ऋण 1 पी धन के 4। अब देखो चिन्ह ऋण ऋण जुड़ जाएंगे और ऋण रहेगा, लेकिन गुणा होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएंगे और 4 एकम 4। ठीक है, 5 कॉमन लिया तो क्या होगा, पी यहाँ भी है, पी यहाँ है, पी कॉमन लिया तो पी ऋण के 4, यहाँ से ऋण 1 कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं, तो 1 तो है इसे, तो बचेगा क्या, इस ऋण की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पी और ऋण के 4, तो 5 पी ऋण 4 है, यहाँ भी पी ऋण 4 भी, तो कॉमन ले लिया पी ऋण के 4, बचेगा क्या, पी ऋण 1 पी ऋण के 1। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब क्या इससे भाग दें, पहले से पी धन 1 से भाग देते हैं, तो 5 पी ऋण 4 पी ऋण 1 किसे, पी धन 1 से भाग देंगे, पी धन 1 से भाग देंगे, तो कोई कठिन ना यही उत्तर रहेगा आपका। अब किससे दें, अब दे पी ऋण 1 से भाग दें, तो 5 पी ऋण के 4 पी ऋण 1 पी ऋण 1 से भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, कितनी बार चला गया, 5 × p − 3 बार चला गया, यानी पूरा पूरा भाग गया है। अगला पी धन 4 से भाग देते हैं, 5 पी ऋण के 4 पी ऋण 1 भाग दिया हमने पी धन 4 से, तो पी धन 4 से कोई कटने वाला ही नहीं, ऐसी की ऐसी स्थिति रहेगी। चौथा क्या है, पी ऋण 4 से भाग देते हैं, तो 5 पी ऋण के 4 पी ऋण 1 / p ऋण के 4, पी ऋण के 4 से पी ऋण 4 गया तो बचेगा आपका 5 पी ऋण 1, यानी यहाँ पूरा पूरा भाग गया। यानी पूछा क्या है, किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित रहेगा, तो पी ऋण 1 या पी ऋण 4 के द्वारा पूरा पूरा यह विभाजित रहेगा। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा।